नारी है, ये भारत की नारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद यहाँ होगा, आप लोग विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद बोलेंगे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव होगा, आप लोग बोलेंगे एबीवीपी लॉन्ग लिव, ठीक है, लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव एबीवीपी लॉन्ग लिव। अधिवेशन में गए थे तब पहली बार हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऐसा माहौल वहां पर देखा था जिससे हमको ऐसा लगा कि इससे अच्छा संगठन दुनिया में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान की दया से हमने भी कई जगह पर गए थे और कई संस्थाओं के लोगों को भी देखा था, कई युवा संगठनों में खड़े होने के लिए भी मौका मिला था, उनसे बातचीत करने के लिए भी मिला था, लेकिन जब वहां पर माननीय कल्याण सिंह जी पहुंचना होता है और पूरे ग्राउंड में पूरे लोग अपनी युवा शक्ति बिखरे होते हैं और चिल्लाते हैं राम लला हम जाएंगे, राम लला हम जाएंगे, बस यही दो लाइन था जो हमारे जीवन में एकदम परिवर्तन लाता है। और साथ में राष्ट्र ऋषि नाना जी देशमुख जी से जब हम मिलते हैं वो कहते हैं ऐसे युवा तुम हो और तुमको नौकरी नहीं करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई चाहे तुमने एमएससी फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हो, चाहे आगे तुम्हें पीएचडी करना हो, तुम्हारे जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले जितने भी यूथ है उनको नौकरी के लिए नहीं जाना चाहिए, किसी की नौकर नहीं बनना चाहिए, सेवा के क्षेत्र में जाना चाहिए, ऐसे नाना जी का वो दो शब्द और अधिवेशन का नाम लला हम जाएंगे मंदिर में। इसीलिए इस मंच पर आने में हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसा अनुशासित मंच और दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए आज 53वां अधिवेशन पे मंच पर विराजमान परम पूजनीय महात्मा जी के महाराज जी के चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। आज मंच पर विराजमान राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री सुनील बंसल जी भाई साहब, प्रांत अध्यक्ष श्री देवानंद तिवारी जी, प्रांत मंत्री श्री मिथिलेश जी, कार्यक्रम अध्यक्ष पूज्य कमल नयन शास्त्री जी महाराज जी, स्वागत अध्यक्ष सम्मान्य लल्लू सिंह जी भाई साहब, पूर्व मंत्री वे रह चुके हैं और उन्होंने अपना भाषण हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिए हैं ऐसे लल्लू सिंह जी भाई साहब, स्वागत मंत्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, अधिवेशन संयोजक दीपक जायसवाल जी, नगर अध्यक्ष डॉक्टर मीनू द्विवेदी जी दीदी जी, नगर मंत्री श्री अनूप श्रीवास्तव जी, इनर व्हील के मैत्री क्लब फैजाबाद से पधारे हुए सचिव है इनर व्हील के श्रीमती शिल्पा चौधरी जी, समाज सेविका भी है डॉक्टर विक्रमा प्रसाद जी, एवं यहाँ पर इस नगर से पधारे हुए सभी सम्माननीय नागरिक बंधु भगनियों का, एवं अयोध्या नगरी में आप सब रहते हैं, आपको प्रभु श्री राम की कृपा आप पर रोज बरसती होगी, माँ सीता मैया का, माँ कौशल्या जी का, सुमित्रा जी का, दशरथ जी का और कई कई माता का भी, राजा भरत जी का भी, शत्रुघ्न जी का आप पर कृपा हर समय बरसती होगी। इसीलिए इस नगर में रहने वाले, साकेत नगर एवं अयोध्या नगर में रहने वाले प्रत्येक महानुभावों के चरणों में वंदन करते प्रणाम करते ताकि हम लोगों के ऊपर भी श्री राम की कृपा हर समय बनी रहे, हम लोग भी सद्बुद्धि के साथ काम करते हैं, ऐसे सभी महानुभावों के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। विद्यालय अलग अलग विद्यालय अलग अलग विश्वविद्यालयों से पधारे हुए सभी प्रतिभागी प्यारे भैयाओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम यहाँ पर
बहनों का नाम नहीं ले पा रहे। किसी कारणवश इस अधिवेशन में जिस मात्रा में बहनों की संख्या छात्राओं की संख्या होनी चाहिए, कारण बहुत हो सकते हैं, त्योहार बहुत है, घर में निकलने में मुश्किल होती है। हम भैया लोगों से निवेदन करते हैं, बहनों को निकालने का काम पूर्व के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लोग करते थे, क्योंकि घर से कोई भी बिटिया को ऐसा अधिवेशन में नहीं भेजते हैं। लेकिन पूर्व के जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाकर पूछते थे, आप इस बहन को अधिवेशन में भेजिए, इसकी सुरक्षा हम लोग करेंगे, इसकी देखभाल हम लोग करेंगे कहते थे। तो बड़ी मात्रा में उस टाइम पे बहनें सब निकल कर, छात्राएं निकल कर अधिवेशन में आती थी। तो ये जिम्मेवारी आप लोगों को आगे लेना पड़ेगा, जब भी कोई बहन को अपनी कॉलेज से निकाल कर लाना है तो उसके लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत देश की स्थिति है बहनों के लिए आज अच्छा नहीं है। आप लोगों को लगता होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में चाहे अभ्यास वर्ग हो, चाहे प्रांतीय अधिवेशन हो, चाहे राष्ट्रीय अधिवेशन हो, हर जगह हम लोगों को बौद्धिक पिलाते हैं। लेकिन प्यारे भैया, आप लोगों को बताना चाहते हैं, बिना बुद्धि विकास के हम लोग कुछ आगे कर नहीं सकते। अपना विकास इस तरह के जब अधिवेशनों में आते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि भारत में क्या हो रहा है, भारत देश के बारे में क्या चिंतन होनी चाहिए, प्रत्येक भैया का जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब हम लोग को समझ में आना चाहिए। और पूरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, आप अभी सुने हैं, चाहे वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट यूथ हो, जिसमें दुनिया भर के जितने भी विद्यार्थी है उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाता है जिसको कहते हैं वो सी। और ऐसे सील प्रोग्राम आपने सुना, ऐसे ही आपको पता होगा मध्य प्रदेश हो चाहे जहां पे भी यूथ अगेंस्ट करप्शन के ऊपर जिस प्रकार का काम चल रहा है वो भी आप लोगों ने सुन रखा है। अब भी मध्य प्रदेश में 10,000 के ऊपर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने शिक्षा के क्षेत्र में जो विसंगतियां हो रही है उन सबको लिपिबद्ध करके अपना एक पूरा कार्य प्रणाली बनाकर महामहिम जी के सामने उन्होंने वो सब बातें रखा। तो आप लोगों को यही निवेदन हम करना चाहते हैं, शिक्षित तो हो रहे हम सब लोग, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जिस प्रकार की संस्कार हम लोगों को चाहिए, ये भगवान की दया से हम सब लोगों को, कुछ लोगों को मिलता है, क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में है। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नहीं है उनको ऐसे संस्कार नहीं मिल रहे। पहले ऐसा होता था, ये जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जितना भी आप देखते हैं, स्वतंत्रता के पहले अपने यहाँ पर बहुत ही कम विश्वविद्यालय हुआ करते थे, और विश्वविद्यालयों के गुरुओं को एक ही काम होता था, प्रत्येक शिष्य को, प्रत्येक जो विद्यार्थी होते थे उसको ध्येयवान कैसा बनाया जाए, चरित्रवान कैसा बनाया जाए, निष्ठावान कैसा बनाया जाए, इसके लिए एक एक गुरु अपनी पूरी लाइफ लगा देते थे, जीवन पर्यंत वो एक ही काम करते थे। लेकिन आज अपने भारत देश में विद्यालयों की कमी नहीं है, महाविद्यालयों की कमी नहीं है, विश्वविद्यालयों की कमी नहीं है। इसीलिए जो भी भैया बहन पढ़ने लिखने को जाते हैं, सिर्फ हम लोग पढ़ाई इसीलिए नहीं कर रहे कि हम डॉक्टरेट कर ले, डॉक्टर बन ले, इंजीनियर बन ले, और अमिताभ बच्चन जी का जो सीरियल आता है उसको हम लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, इसके व्यक्ति समाज के लिए ये संवेदना एक चीज है जो आज इस प्रांगण में जैसे पैर रखते हैं तो अंदर से संवेदनाएं उत्पन्न होती है। बिना संवेदना का मनुष्य का जीवन नहीं हो सकता। यदि हम लोग मनुष्य हैं तो हम इनमें से पूछना चाहते हैं, कितने भैया लोगों को ऐसा लगता है प्रातः काल उठते ही साथ वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर ये श्लोक पढ़ते हो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। एक बार हम कहते हैं इस पंडाल में बैठे हुए सभी प्रतिभागियों से जोरदार हम लोग एक स्वर में कराग्रे वसते लक्ष्मी पढ़ेंगे, यही संवेदना अपने भारत माता के लिए। और हम लोग ये कह रहे हैं हम दूसरों का छीनेंगे नहीं, दूसरों का झपटेंगे नहीं, हम अपने कर्तृत्व से अपने पूरा जीवन बनाएंगे और समाज उपयोगी बनेंगे। इसके लिए कह रहे हैं हमारे हाथ में सभी भगवान है, तो जब अपने हाथ में सब भगवान जी लोग विराजमान है, एक बार जिन भी
लोगों को आता है, एक साथ हम लोग दोहराएंगे या एक साथ बोलेंगे, क्या पसंद करेंगे? एक साथ बोलना है, दोहराना है नहीं, बोलना है। कराग्रह वसिते लक्ष्मी। मैं कोई भाषण आप लोग के सामने दे नहीं सकती, क्योंकि विद्यार्थी परिषद की मैं कभी मुख्य अतिथि भी हो नहीं सकती, क्योंकि जिस घर में हम लोग पलते हैं, फूलते हैं, प्यार मिलता है, इज्जत मिलता है, उस घर में कभी भी मुख्य अतिथि नहीं हो सकते। हम आपके प्यार बहन हो सकते हैं, कुछ लोगों की भाभी हो सकते हैं, कुछ लोगों की चाची हो सकते हैं, कुछ लोगों का और भी रिश्ते हो सकते हैं। यहाँ के लिए मैं मुख्य अतिथि तो कभी नहीं हो सकती। एक बार हम सब लोग भैया लोग कराग्रह वसते लक्ष्मी बोलेंगे, जोरदार प्रारंभ करें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद तुरंत हम लोग पढ़ते अपनी भूमि की रक्षा के लिए, जिस धरती माँ के ऊपर हम लोग पैर रखना यह बोध होती है। और अधिवेशन में हम लोग इसीलिए नहीं आते कि हम लोग को अच्छे सोने मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा बढ़िया गुलगुले गद्दे मिले, इसके लिए हम लोग नहीं आते हैं। कष्ट सहने की आदत हम लोगों को पड़े, इसके लिए हम लोग आते हैं। इसीलिए एक बार मैं बोलूंगी, फिर आप सब लोग दोहराएंगे। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्थनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम्, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। बस इतनी ही बातें हैं, चाहे हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे या अन्य कारणों के कारण यदि विद्यार्थी परिषद से सीधा संपर्क ना रहा हो, लेकिन एक संवेदना अपनी भारत माँ के प्रति, अपने भगवानों के प्रति, अपने इष्ट देवों के प्रति रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉलेज में जब पढ़ने जाते हैं तो समय हम लोगों को बिल्कुल साथ नहीं देता, सुबह जल्दी उठना, कॉलेज जाना, लेकिन अनुशासन की जितनी भी बातें जो हम लोग सीखते वो कॉलेज में दिखना चाहिए। जब हम लोग महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में होते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को ये कहना नहीं पड़ना चाहिए कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हूँ। उसकी अपनी चाल चलन, बोल चाल, रहन सहन से, उसकी पढ़ाई में अव्वल होने से लेकर लोग अपने आप बोल देते हैं, भैया ये कोई बहुत बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनको पूरी पूरी बातें इनको आता है। इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस तरह के जितने भी अधिवेशन करते हैं, कार्यकर्ता निर्माण के काम के लिए होता है। कार्यकर्ता ऐसे ही नहीं बनते। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको, स्वामी विवेकानंद जी के सार्थ सती समारोह के उपलक्ष्य में हम सब लोग जगह जगह पर स्वामी जी के अलग अलग कार्यक्रम लेके कर रहे हैं। जैसे चित्रकूट प्रभु राम की तपस्थली है, अयोध्या जी प्रभु राम की जन्मस्थली है, हम जन्मस्थली की तरफ प्रभु राम की तपस्थली से यहाँ पधार कर इसीलिए आए, दोनों के बीच का फासला बहुत कम है, लेकिन एक जगह राज्य मिलता है, एक जगह उनको तपस्या करने के लिए जगह मिलती है। तो ऐसे चित्रकूट प्रभु राम की तपस्थली में राष्ट्र ऋषि नाना जी देशमुख जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वह दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना करके उन्होंने जितनी बातें आपने अभी बंसल जी से सुना हो, प्रदेश अध्यक्ष जी के बातचीत में आपने सुना हो, लल्लू राम जी भाई साहब के इसमें आप लोगों ने सुना हो, ये सब बातों का समाधान हम लोग दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से चित्रकूट को केंद्र मानकर 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाले 500 गांवों को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सकता है, इस विषय पर हम लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो जो भी आपको यहां सुनने को मिल रहा है, हम लोगों को किस तरह की भारत की जरूरत है, तो हम लोगों को जरूरत है स्वाभिमान भारत, स्वावलंबी भारत। ये स्वावलंबन स्वाभिमान हम लोगों को लगता है ये कौन सी दुकान पे मिलता है, ये स्वाभिमान ये स्वावलंबन इस तरह के अधिवेशनों के बौद्धिक जो भी हम लोग को बड़े लोग देते हैं उससे मिलता है। जब एक कार्यकर्ता स्वावलंबी बनता है तो वो सैकड़ों लोगों को वो पूरा स्वावलंबी बनाता है। तो इस तरह की स्वावलंबन की प्रक्रिया हम सब लोगों के अंदर आए, प्रभु राम की जन्मभूमि यहाँ पर है, सरयू नदी के तट पर हम लोग बैठकर यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोगों को लगेगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
सिर्फ इस तरह के अधिवेशनों में जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उसके बारे में बात होती है या और के बारे में बात होती है, ऐसा नहीं है। अभी एक नर्मदा जी की पदयात्रा भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाले थे, जहां से नर्मदा जल शुरू होती है, जहां पर समाप्त होती है, वहां तक युवा शक्ति ने एक पदयात्रा किया। और पदयात्रा इसीलिए नहीं किया, उनको वोट नहीं बटोरना था उस इलाके के लोगों से, उन्होंने इसीलिए पदयात्रा किया। नर्मदा जी के किनारे पे जितने भी परिवार बसे हुए, जितने भी गांव बसे हुए हैं, उन लोगों को नर्मदा जी के प्रति जागरूकता करें, ताकि वो लोग पॉलिथिन का प्रयोग कम करें। नर्मदा जी के पानी कैसे बढ़ोतरी हो सकती है, नहाते समय उसमें साबुन का हम लोग प्रयोग ना करें, ऐसे विभिन्न प्रकार की जागरूकता अभियान भी अपने यहाँ के एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लेकर समाज में एक अलग पहचान बनाने का काम कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के लिए लोग कहते हैं, अरे भाई वो तो बड़ी अनुशासित संगठन है, और अनुशासन वाले लोगों से सामने वाले लोग बहुत डरते हैं। 65-66 वर्ष के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोग बेकाबू होते जा रही है, और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है, अंतर जो भी सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी हो, बाह्य सुरक्षा की बात हो, अपने देश बहुत खतरे में है। देखने के लिए तो सोने के आडंबर जैसा बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन प्यारे भैया लोगों को अपने देश की वास्तु स्थिति से आप लोगों का अवगत होना जरूरी है। और जब भी कोई सीमा में शहीद होते हैं, और जब भी कोई व्यक्ति कहीं पे किसी कारणवश वो भगवान को प्यारे होते हैं, तो चाहे नेता लोग पहुंच कर वहां पर मुआवजा देकर सोच लेते हैं हमारा काम खत्म हो गया, इस मुआवजा के बाद वो कभी नहीं सोचते आखिर ऐसी घटनाएं अपने देश में क्यों हो रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है। ये कोई ना राज्य सरकार चिंता करती है, ना कोई अपने ऊपर बैठे हुए सरकार के लोग चिंता करते हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है चिल्लाते हैं, तो सरकार के लोग बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी भत्ता देकर समझ लेते हैं हमने बेरोजगारी समाप्त कर दिया, लेकिन बेरोजगार युवक युवतियों को जो डिग्री लेकर घूम रहे हैं, उनको किस प्रकार स्वरोजगार के प्रति उनको आगे बढ़ाना चाहिए, बेरोजगारी से मुक्त कैसे करना चाहिए, कोई योजना उनके पास नहीं होती है। आप सबसे निवेदन करते हैं, अभी युवा शक्ति हो आप, अपनी शक्ति आगे जब भी किसी भी फील्ड में आप काम करोगे, हर चीज का परमानेंट निदान करना शुरू करो। तात्कालिक थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है फर्स्ट एड, लेकिन कभी रोग होए ही ना, इसके लिए आप सब लोग मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, और तकलीफें तो बहुत है, और हम जानते हैं हम सब परम सम्माननीय परम पूजनीय महाराज जी के चरणों में हम वंदन करते हुए यही प्रार्थना करते हैं, भारत देश की यदि संस्कृति सभ्यता बची है, आपके जैसे महान संत महात्माओं की कृपा से बची है, नहीं तो भारत देश बच नहीं सकता, इसीलिए आपके चरणों में हम वंदन करते हैं। हम चित्रकूट के नगरी से आए, प्रभु राम जी यहाँ से चित्रकूट गए, और चित्रकूट में जब वो वनवास के 11.5 वर्ष बिता रहे थे, पहले जैसे ही वो चित्रकूट पहुंचे, भाई भरत जी यहाँ पर जाते हैं और प्रभु राम का मिलन चित्रकूट में होता है। दोनों भाई भाइयों का प्यार यदि देखना है आपको, तो चित्रकूट एक अनोखा उदाहरण है। चित्रकूट में भाई भरत जी और राम जी का मिलन होता है, और राम जी को वो कहते हैं, भैया आपका अयोध्या आप चलिए, और ये कहते हैं, पिता की आज्ञा है, एक बार हमने त्यागा तो उसके तरफ हम मुड़के नहीं देख सकते, तुम्हारा राज्य है तुम संभालो। ये आज भारत देश की जरूरत है, लेकिन आज उस पर हम लोग जाना नहीं चाहते। हम सब युवा शक्ति त्याग की जो बात है, वो प्रभु राम के जीवन से प्रेरणा पाकर हम सब लोग राष्ट्र पुनर्निर्माण के काम में अपने योगदान सुनिश्चित करें। एबीवीपी के ऊपर कभी कोई काला धब्बा हम लोग ना लगाए, यही प्रेरणा प्रभु राम की जन्मभूमि से प्रेरणा लेकर हम लोग अपने अपने जिलों में अपने अपने स्थान में लौट कर जाएंगे। जीवन में हम लोगों के ऊपर भगवान की दया से कभी कोई काला धब्बा ना लगे, जो लोग हम लोगों को उंगली कर सके, यही प्रेरणा हम लोग यहाँ से पाना चाहते। पधारे हुए सभी प्रतिभागी बंधुओं का
हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं उज्जवल कामना की शुभकामनाएं देते हैं महानगर के सभी संत महात्माओं के चरणों में, प्रबुद्ध वर्ग के चरणों में, पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से पधारे हुए सभी बंधु भगिनियों के मातृ शक्ति के चरणों में वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन मंडल के सभी सदस्यों का, संचालन मंडल के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।